मध्य प्रदेश के शिवनी मालवा के नगर के तवा कॉलोनी के पास स्थित मकान में स्वास्थ्य विभाग की टीम ने सूचना पर कार्रवाई की, जहां गर्भवती महिलाओं का अवैध रूप से गर्भपात करते हुए पकड़ा गया, जिसकी सूचना पर बीएमओ ने शिवनी मालवा पुलिस को दे दी है। थाना प्रभारी अजय तिवारी ने बताया कि कॉलोनी में कांता ठाकुर के घर ग्राम रजोरा जाट निवासी महिला रेखा प्रजापति, पति राजेंद्र प्रजापति उम्र 36 वर्ष के द्वारा गर्भपात कराया गया, जहाँ स्वास्थ्य विभाग के बीएमओ ने मुल्लोबाई आया के द्वारा गर्भपात कराते हुए पकड़ा। इस मामले को दर्ज कर लिया गया है और आगे की जांच कराई जा रही है। भ्रूण का पोस्टमार्टम कराया गया है। पोस्टमार्टम रिपोर्ट आने के बाद आगे की कार्रवाई की जाएगी। सभी जानते हैं कि भ्रूण हत्या पाप है और भ्रूण हत्या पर रोक है, उसके बावजूद भी इस तरह के घिनौने अपराध छुपकर या खुलेआम किए जा रहे हैं। मैडम, किस तरह का मामला आया आज? ये गोपनीय सूचना पर मेरे द्वारा श्रीमती कांता ठाकुर, जो कि यहाँ पे इंचार्ज सिस्टर के घर पर जाकर देखा गया, तो वहाँ पर एक दाई द्वारा अवैध रूप से गर्भपात किया जा रहा था। उसको गर्भपात करते हुए स्थिति में देखने के तुरंत बाद में मैंने वरिष्ठ चिकित्सक डॉक्टर जी आर करोड़ी साहब को बुलाया और इस चीज़ की इन्फॉर्मेशन बाकी अपने अधिकारियों को। इस पर किस प्रकार कार्रवाई की जाएगी? अब इस पर कार्रवाई क्या है कि किसी भी यहाँ पर चिकित्सा की सुविधा नहीं हो तो वहाँ पर किसी भी व्यक्ति का गर्भपात किया जाए तो इससे उस मरीज की जान को जोखिम, इसके लिए थाने को तो हमने इन्फॉर्मेशन दे दिए। बाकी उच्च कार्रवाई के लिए हम अपने उच्च अधिकारियों से मार्गदर्शन लेंगे और उन्हें लिखित इन्फॉर्मेशन दे दी। क्या मामला है? आज दोपहर लगभग 3:30 बजे सामुदायिक स्वास्थ्य केंद्र शिवनी मालवा से बीएमओ डॉक्टर श्रीमती कांति बाथौर द्वारा एक अस्पताली मेमो थाने पे भेजा गया, जिसमें उन्होंने बताया कि एक लगभग 4 माह का भ्रूण जो है गर्भ से निकाला गया है। उसकी जांच पर उप निरीक्षक वैशाली उइके और उप निरीक्षक पटेल को मैंने मौके पर भेजा। मौके पर जाके इन लोगों ने जाँच की। जाँच पर पाया गया कि ग्राम रजोरा जाट के राजेंद्र प्रजापति और उसकी पत्नी रेखा प्रजापति ने जो है अपने भ्रूण जो है 4 माह के गर्भ को गिरवाया है एक नर्स की मदद से, और चूंकि 4 माह में उस भ्रूण में जान पड़ गई थी, इसलिए डॉक्टर की रिपोर्ट पर हमने मर्ग पंजीबद्ध कर उस भ्रूण का पोस्टमार्टम करा लिया है। पोस्टमार्टम रिपोर्ट आने के बाद और अन्य संपूर्ण जांच होने के बाद में वैधानिक कार्रवाई की जाएगी। सर, जो ये नर्स है ये भी क्या शासकीय सामुदायिक भवन शिवनी मालवा पदस्थ है? हाँ, ये सामुदायिक स्वास्थ्य केंद्र शिवनी मालवा में। शिवनी मालवा से शशिकांत शर्मा की रिपोर्ट। शिवनी मालवा में आखिर खत्म हुआ 5 दिवसीय किसानों का आंदोलन। शासन ने मानी मांगे। किसान कांग्रेस और तत्वाधान में किसान नेता कमल रघुवंशी की अगुवाई में चल रहे आंदोलन में आखिरकार विराम लग गया। आपको बताते हैं कि विगत 3 दिनों से किसान और कांग्रेस के कार्यकर्ता थाना का घेराव, बाजार बंद एवं वाहन रैली को लेकर अपना विरोध प्रदर्शन कर रहे थे, पर आखिरकार शासन प्रशासन ने उनकी मांगों को पूरा कर दिया है, जिसमें मुख्य मांग किसान के खाते में बकाया राशि की कुछ रकम डाल दी गई है। बाकी मांगों को भी पूरा करने का आश्वासन शासन की ओर से दे दिया गया है। देखिए, हमारा 5 दिवसीय आंदोलन था। 5 दिवसीय आंदोलन में 7 हमारी मांगें थी। 7 मांगों में से सभी प्राय पूरी हो चुकी हैं। जैसे भावांतर सरकार स्तर पर उसे हटाने की कार्रवाई की जा रही है। दूसरी मांग हमारी 4.25 करोड़ चने की थी, तो 3.70 करोड़ रुपये आ गए, 2.70 करोड़ रुपए आ गए 3.70 करोड़ में से। इसके बाद हमारी जो तीसरी मांग थी कि भाई गरीबों के मकान उघाड़े, उनकी किस्त डाली जाए, तो 340 प्रधानमंत्री आवास की जो किस्तें डल चुकी हैं, हमारे गरीब को पैसा पहुंच चुका है। अधिकारियों ने हमें बैठक में बुलाया था और हमारी 4 मांगें पूरी हो चुकी हैं। हम कल का चक्का जाम और परसों का रेल रोको आंदोलन स्थगित करते हैं, चूँकि हमारी 4। शिवनी मालवा से शशिकांत शर्मा की रिपोर्ट। मध्य प्रदेश के मुख्यमंत्री की संबल योजना के तहत डोलोरिया क्षेत्र विधायक सरताज सिंह की अगुवाई में हितग्राहियों को बिजली बिल माफी योजना एवं सरल योजना के तहत
प्रमाण पत्रों का वितरण किया गया। आपको बताते हैं कि जैसे जैसे कैलेंडर के पन्ने पलटते जा रहे हैं और विधानसभा चुनाव नजदीक आ रहे हैं, शासन प्रशासन जनता को लुभाने के लिए अलग अलग योजनाएं लाती है। इसी के तहत गरीबी रेखा के अंतर्गत जीवन यापन करने वाले इस योजना के प्रमाण पत्र विधायक सरताज सिंह के द्वारा बांटे गए। इस मौके पर समस्त ग्रामवासी पुलिस प्रशासन मौजूद रहा। सिवनी मालवा से कैमरामैन प्रवीण गौर के साथ शशिकांत शर्मा की रिपोर्ट। सिवनी मालवा। मध्य प्रदेश शिक्षक संघ सिवनी मालवा इकाई के द्वारा एसडीएम को 2 सूत्रीय मांगों को लेकर ज्ञापन सौंप दिया गया। एसडीएम महोदय से अनुरोध किया गया है कि हमें वेतन मान के अनुरूप अपग्रेड कर पदनाम दिया जावे, साथ ही शिक्षक संवर्ग के प्रति अवसर अवरुद्ध हुए हैं, इसी कारण नियमित शिक्षक तमाम योजनाओं का शासन की ओर से नहीं मिल पा रही है। शिक्षकों ने ज्ञापन के माध्यम से मुख्यमंत्री से अनुरोध किया है कि जल्द से जल्द हमारी मांगों को पूरा किया जाए। ज्ञापन दिया है अपने। आज हम लोगों ने 2 सूत्री मांग थी हमारी, जो बहुत दिनों से लंबित हैं। पहली मांग है हमारी शिक्षकों को पदनाम, नियमित शिक्षकों को पदनाम दिया जाना, जिसमें हम लोग 35-40 साल से सर्विस कर रहे हैं लेकिन प्रमोशन एक भी नहीं हुए हैं, जिसके कारण आज भी हम सहायक शिक्षक के पद पर कार्यरत हैं। यदि हमें शासन हमारे वेतन के अनुरूप परिणाम देती है तो हम में से बहुत से शिक्षक साथी उच्च श्रेणी शिक्षक या व्याख्याता बन सकते हैं। दूसरी मांग है हमारी हमारे अध्यापक संवर्ग की, जिन्हें मध्य प्रदेश शासन ने गुमराह करते हुए दूसरे काडर दे दिया गया है, एक अलग निकाय बना दिया है जो हमें मंजूर नहीं है। हम चाहते हैं कि हमारे शिक्षक अध्यापक साथियों को शिक्षा विभाग में संविलियन किया जाए, जिससे कि वे भी सहायक शिक्षक, व्याख्याता या उच्च श्रेणी शिक्षक बन सके। क्या आश्वासन मिला आपको एसडीएम सर? अभी सिर्फ हमने मुख्यमंत्री के नाम का ज्ञापन दिया है, महोदय ने आश्वासन दिया है कि हम उच्च स्तर पर इस कार्य। सिवनी मालवा से शशिकांत शर्मा की रिपोर्ट।